सभी का आज की कक्षा में पुनः स्वागत है। जैसा कि पिछली कक्षा में मैंने चर्चा किया था कि जी कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, जिसमें से कुछ उद्देश्य शेष रह गए थे, आइए आज उस पर चर्चा करते हैं कि कौन कौन से उद्देश्य होने चाहिए जो कि शेष रह गए थे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि शिक्षा का और उद्देश्य होना चाहिए क्रियात्मकता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, अर्थात शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, अर्थात बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे उनमें क्रियात्मकता का विकास हो, क्रिएटिविटी डेवलप हो, सृजनात्मकता का विकास हो। अर्थात भले ही वो जो भी विषय पढ़े, चाहे कला पढ़े, चाहे विज्ञान पढ़े, गणित पढ़े, कोई भी विषय पढ़े, उनका चिंतन ऐसा हो कि उस विषय के तहत कुछ वो नया खोज करके लाए जो कि पहले नहीं था। क्रियात्मकता का अर्थ ही होता है नई खोज जो कि पहले नहीं था। तो बाल्यकाल से ही बच्चों की इस प्रकार की विद्यालय में शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे बच्चे क्रिएटिव हो, क्रियात्मक हो, उनकी सोच क्रियात्मक हो, कुछ नया करने वाली सोच उनमें विकसित करनी है। तो आइए आगे के उद्देश्य देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा था शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए। अगला उद्देश्य उन्होंने कहा था कि बच्चों में संवेदनशीलता का विकास होना चाहिए, बच्चों में संवेदनाओं को विकसित किया जाना चाहिए, विद्यालय में इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे बच्चे में संवेदनाओं का विकास, दूसरे के प्रति प्रेम स्नेह सहयोग की भावना बच्चों के मन में बाल्यावस्था से ही जागृत की जानी चाहिए, उनमें उनको नैतिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, दूसरे के सुख दुख में उनको सुखी और दुखी होना चाहिए, सबके सहयोग के लिए सदा तत्पर होना चाहिए। ऐसी शिक्षा विद्यालय में विद्यार्थियों को प्रदान की जानी चाहिए, तभी वो शिक्षा वास्तव में शिक्षा होगा, जी कृष्णमूर्ति का कहना था। आइए अब आगे के उद्देश्य की ओर जाते हैं। जैसा कि यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ आप देख रहे हैं, चरित्र का निर्माण करना, कैरेक्टर बिल्डिंग। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चों का चरित्र सही रास्ते पर जाए, चरित्र का निर्माण हो। ऐसा कहा जाता है कि आपका धन चला जाए, आपका स्वास्थ्य चला जाए तो सोचिए कुछ नहीं गया, लेकिन आपका चरित्र खराब हो जाए तो आपका सर्वस्व चला जाता है। इसलिए जय कृष्णमूर्ति का कहना था कि बच्चों को चरित्रवान बनाया जाए, शिक्षक ऐसी शिक्षा बच्चों को दे, विद्यालय में ऐसी शिक्षा प्रदान करे कि उनका चरित्र बहुत ही अच्छा हो और वो सद्मार्ग की ओर अग्रसर हो, कुमार्ग के रास्तों को छोड़ करके गलत कार्य न करे, ईमानदारी पूर्वक व्यवहार करे, तभी शिक्षा वास्तव में शिक्षा कहलाएगी। आइए अब हम आगे की बचे हुए उद्देश्य की ओर नजर डालते हैं। तो अंतिम उद्देश्य था व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना। जय कृष्णमूर्ति का कहना था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को व्यवसाय संबंधी प्रशिक्षण विद्यालय से ही प्रदान करे। तो ऐसा क्यों? जब बच्चे शिक्षित हो, जब स्कूली शिक्षा पास करे तो वो डिग्री लेके इधर उधर न भटके, बल्कि वे खुद का कोई रोजगार करे या कहीं ना कहीं उसे रोजगार प्राप्त हो सके। और ऐसा कब होगा? जब वो प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, व्यवसाय से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। तो विद्यालय में इस तरह की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए ताकि बच्चों को रोजगार से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाए। जब वे स्कूली शिक्षा प्राप्त करे तो जब उन्हें कोई ना कोई रोजगार अवश्य ही प्राप्त हो, वो बेरोजगार न रहे। भले ही उस समय ज्यादा जनसंख्या नहीं थी हमारे देश की, फिर भी उनकी सोच बहुत दूरदर्शी थी। वे जानते थे कि शिक्षा तो प्राप्त करना है, लेकिन आत्मनिर्भर होना भी अत्यंत ही आवश्यक है। जीवन निर्वाह के साधन शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। इसी सोच के साथ जय कृष्णमूर्ति ने, आदरणीय जय कृष्णमूर्ति ने व्यावसायिक प्रशिक्षण पर विशेष जोर दिया।
तो आज की कक्षा में इतना ही, और हम अगले की कक्षा में नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। धन्यवाद।